भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रदेश में आवश्यक है जिससे प्रदेश में कानून का राज हो। एसटीसी पर थाना ना चलाएं, अपराधी सरकार ना चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे की आपूर्ति होती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके। आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और उन्हें पूरा सम्मान भी मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे फलते फूलते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आवश्यकता है। और इसी भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ भी किया है, अपना थीम सॉन्ग भी यहां पे लॉन्च किया है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों का लाभ और उस कार्य का के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। 9 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है उसमें देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और आज मतदान के प्रथम चरण का नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होकर के दूसरे चरण के मतदान का कार्यक्रम भी शुभारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार सामग्री का शुभारंभ के साथ ही इस चुनाव प्रचार के लिए अपने थीम सॉन्ग को भी यहां पर अभी लॉन्च किया है। मैं सबसे पहले इस थीम सॉन्ग को प्रदेश और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार के योजनाओं को इस थीम सॉन्ग के साथ समाहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को चुनाव में भी आम जन तक पहुंचाने के लिए उसे एक संगीत का स्वरूप देने वाले और उसका निर्देशन करने वाले इस पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करते हुए मित्रों, 5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े थे, तब हम लोगों ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मार्ग से अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी संकल्पों को पूरा किया जिन्हें 2017 में विधानसभा चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी ने जनता के सामने वायदे के रूप में जनता के सामने एक संकल्प उस समय व्यक्त किया था।
राष्ट्रवाद के मूल्यों पर बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके वंशवादी और प्रदेश की परंपरागत जातिवादी राजनीति को खारिज करते हुए प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना में प्रदेश की सरकार ने न केवल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रदेश की आस्था को सम्मान दिया बल्कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी दिया। उत्तर प्रदेश ही कर सकता था कि जो दंगाई कभी प्रदेश के शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका अवभगत करते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया, ये सुरक्षा का ये माहौल प्रदेश में निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन माहौल देने का कार्य न केवल निवेश की दृष्टि से बल्कि प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को अपना ध्येय वाक्य मानते हुए प्रदेश सरकार ने कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 45 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया है, 2,61,00,000 गरीबों को उनके घरों में शौचालय दिए हैं, 1,21,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं, 1,56,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं, 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है, 1 करोड़ वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए की पेंशन की राशि प्रतिमाह यानी सालाना 12,000 रुपए की राशि देने की व्यवस्था भी किसी ने की है तो यह डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 करोड़ लोगों को प्रतिमाह डबल डोज राशन की सुविधा भी प्रदान करने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1,61,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार, 60,00,000 एमएसएमई उद्यम से जुड़े हुए प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यही नहीं, सपा बसपा फिर सपा की सरकारों में चीनी मिलें बंद होती थी, हजारों करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया भी वर्षों तक लंबित रहता था। आज 1,55,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी 5 साल के अंदर हमारी सरकार कर चुकी है। प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत अकेले इस वर्ष कोरोना कालखंड के बावजूद 55 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करते हुए 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में करने का कार्य भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। एमएसपी का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया और प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जो माफिया सत्ता का साकिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया, हमने जो कहा सो करके दिखाया। भारत की आस्था का सम्मान नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा निर्मल गंगा, भव्य और दिव्य कुंभ, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया, और ये तब किया तब सोच ईमानदार, तो काम दमदार। ये काम दमदार जो प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे सके, न वंशवाद न जातिवाद, न मत और मजहब का वाद, न दंगा फसाद, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि, और सबको समृद्धि और सबको सुरक्षा का भाव पैदा करने का दम भी कोई भर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रदेश में आवश्यक है जिससे प्रदेश में कानून का राज हो। एसटीसी पर थाना ना चलाएं, अपराधी सरकार ना चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे की आपूर्ति होती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और उन्हें पूरा सम्मान भी मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे फलते फूलते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आवश्यकता है। और इसी भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ भी किया है, अपना थीम सॉन्ग भी यहां पे लॉन्च किया है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं
और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों का लाभ और उस कार्य का के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंचस्थ नेतृत्व का।